हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपना काम कर रहे होंगे छुट्टियों का, और छुट्टियों को भी भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रहे होंगे। आगे क्लास टीचर निशाइका, प्यारे बच्चों, सब आज हम कर रहे हैं उर्दू का काम, सबक नंबर 4, सफा नंबर 37, अच्छी बातों के फूल। काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों ने जो भी काम करना है, जो भी वीडियो क्लासेस में आप लोग काम कर रहे हैं ऑनलाइन, आप काइंडली वो स्कूल में लाके चेक करवाइए। जितना भी आप लोगों ने काम किया है नीट एंड क्लीन राइटिंग में, स्कूल में लाके अपनी अपनी चीजों को चेक करवाइए। ओके, चलते हैं फिर हम काम की तरफ। अच्छी बातों के फूल, सबसे पहले हम लोगों ने ये चैप्टर रीड आउट किया था, इसके बाद हम लोगों ने इसके सवाल खुद कुछ खती की थी, और इसके बाद हम लोगों ने इसके सवाल जवाब किए थे। आज हम करने जा रहे हैं सबक की खाली जगह। तो सबसे पहले आप लोगों ने निकालनी है अपनी नोटबुक, सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपीज निकालें, हेडिंग पुट करनी है आप लोगों ने खाली जगह पर करें। सबसे पहले आप लोगों ने गौर से सुननी है, सुनना है सेंटेंस को, जुमले को, और इसके बाद आपने सोच कर लिखना है। इस जुमले में हम लोगों ने इस्तेमाल करना है था, थी, या, थे। पहली खाली जगह है हमारे पास अली और जारा, अली और जारा खाना खा रहे डैश। अब इसमें से क्या आएगा, था आएगा, थी आएगा, या थे आएगा? जुमले को जरा गौर से देखें, अली और जारा खाना खा रहे, तो क्या आएगा यहाँ पे, थे। अली और जारा खाना खा रहे थे। नंबर 2 खाली जगह है हमारे पास घोड़ा भाग रहा डैश। घोड़ा भाग रहा क्या आएगा, था या थी? था। घोड़ा भाग रहा था। नंबर 3 खाली जगह है हमारे पास दादा जान जा रहे डैश। क्या आएगा डैश में, दादा जान जा रहे, दोबारा से यहाँ पे क्या आएगा, थे। नंबर 4 ब्लैंक है हमारे पास, खाली जगह है जारा सो रही डैश, तो यहाँ क्या आएगा, जारा सो रही थी, यहां लिखेंगे हम थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2 सवाल है हमारे पास दिए गए अल्फाज के जुमले बनाए। सबसे पहले आपने हेडिंग पुट करनी है अल्फाज, के बाद आपने हेडिंग पुट करनी है जुमले, फिर आपने मार्जिन लाइन लगानी है। ओके, सबसे पहला अल्फाज है हमारे पास
अस्सलामु अलैकुम। अब इसका हम जुमला बनाएंगे अस्सलाम वालेकुम का। मैं स्कूल आते वक्त अस्सलाम वालेकुम आते वक्त अस्सलामु अलैकुम कहती या कहता हूँ। लड़कियां कहती लिखेगी और लड़के कहता। नंबर टू है हमारे पास वालेकुम सलाम। नंबर टू है वालेकुम सलाम। मेरे सलाम के जवाब में अम्मी वालेकुम सलाम अम्मी वालेकुम सलाम कहती हैं। नंबर थ्री है जज़ाकअल्लाह। कोई चीज़ दे तो मैं जज़ाकअल्लाह कहती या कहता हूँ। नंबर थ्री है हमारे पास माँ, सॉरी नंबर फोर माँ। माफ कर देने से अल्लाह ताला खुश होता है। नंबर फाइव है हमारे पास अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज घर से निकलते वक्त मैं अल्लाह हाफिज कहती या कहता हूँ। अब हम करेंगे नंबर थ्री क्वेश्चन है हमारे पास मुश्किल अल्फाज। आपने सबसे पहले मुश्किल अल्फाज की हेडिंग पुट करनी है। जो वर्ड्स डिफिकल्ट हैं वो मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है। नंबर पहला है अस्सलामु अलैकुम। नंबर दूसरा बच्चू वालेकुम सलाम। नंबर थ्री माफ कीजिए। नंबर फोर जज़ाकअल्लाह
नंबर 5, अल्लाह हाफिज। नंबर 6, धागा। नंबर 7, घोड़ी। नंबर 8, पानी। नंबर 9, चोट। नंबर 10, खाना। ये मुश्किल अल्फाज जब आप स्कूल आएंगे तो इसका इमला भी होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप लोगों ने ये काम करना है। सबसे पहले आप लोगों ने टाइटल पेज बनाया होगा अच्छी बातों के पूल का। इसके बाद आपने आई एम श्योर की कुछ गलती की होगी। देन आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया होगा। इसके बाद आपने खाली जगह करनी है। देन आपने अल्फाज जुमले करने हैं। लाजमी नहीं है जो जुमले मैंने लिखे हैं आपने वही कॉपी करने हैं। अगर आपको कोई और अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है, तो आप खुद भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये मुश्किल अल्फाज करने आप लोगों ने नीट एंड क्लीन राइटिंग में। और काइंडली आप लोग जो जो काम कर रहे हैं वो लाकर चेक करवाइए स्कूल में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you.